तुम तो वादा करके गए थे कि शांति रहती अब सरहद पर, सब कुछ पहले से बदला हुआ है, पर सुबह खबर आई टीवी पर कि जवानों के बस पर हमला हुआ है, 40 लोगों की शहादत हुई है, तब से दिल सहमा हुआ है। सुबह ही खुदा से तुम्हारी खैरियत मांगी थी, पर ये कैसी इबादत हुई है। डर के मारे टीवी भी नहीं देखा जा रहा, पर अभी कहीं से सुनाई पड़ा है कि वो बस तुम्हारी ही थी, और मेरे उम्मीदों के साथ तुम्हारे जिस्म के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मुझे पता है ये सब झूठ हैं, फिर भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब तुम ही बताओ ना, क्या तुम सच में नहीं आओगे। एक एक तिनका उठाया कहाँ से, कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से, कभी काक ने रोका तो कभी हवाओं का झोंका, कभी आई बारिश तो कभी धूप की तपिश, कभी इंसानी शैतानी तो कभी आफत आसमानी, और आया जब एक बार तूफान कहीं से तो खेल बिगड़ जाता है एक पल में। अभी रात में उजाला और दिन में अंधेरा फैला है, अभी रात में उजाला और दिन में अंधेरा फैला है, तुम आओ तो दिन दिन और रात रात बने, तुम आओ तो बात बने। और मौका ये दस्तूर हो, चाहे हम कितनी भी दूर हो, अपनी एक मुलाकात बने, तुम आओ तो बात बने, और जो आओ तो जाओ ना, आके ठहर जाओ ना, कुछ ऐसे हालात बने, तुम आओ तो बात बने। कुछ नेक काम करूं अपने व्यक्तित्व को तराशूं मैं, कुछ नेक काम करूं अपने व्यक्तित्व को तराशूं मैं, या साधु बन जाऊं और ब्रह्म को तलाशूं मैं। गुनगुनाए हर ओठ जिसे कोई गीत बनूं, उत्साहित हो उठे उदासित ऐसी कोई जीत बनूं, और निश्चल निर्भीक निडर और सख्त बनूं, सरहद की सीमा पर देश बंधु देश भक्त बनूं, और मदद मात्र को जीवित होकर दूसरों की उम्मीद बनूं, या छोड़ दूं ये तन मेरा एक मीठी सी नींद बनूं। मैं कुछ भी करूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, उसे पसंद ना होते हुए भी मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाया, दूसरों की खुशियों में खुश रहना उसने मुझे सिखाया, पत्नी के रूप में एक औरत ने मुझे सिखाया। जब बच्चा था मैं, उसने मुझे हंसना बोलना चलना सिखाया, इंसान के रूप में भगवान दिखाया, मुझे जीने का मकसद बताया, एक माँ के रूप में मुझे एक औरत ने सिखाया। मैंने जिसे हर बात पर सताया, उसने मुझे सब लड़कियों की कद्र बताया, ससुराल मायके में एक सा रिश्ता निभाया, घर के एक एक ईंट के जुड़ने में जिसने किरदार निभाया, पर उस घर पर कभी अपना हक नहीं जताया, ऐसा निस्वार्थ प्रेम बहन के रूप में एक औरत ने मुझे सिखाया। मेरी जीत मेरी हार में मुझे हमेशा अपनाया, अपनों को सच मायने में अपनाना एक प्रेमिका रूप में एक औरत ने मुझे सिखाया। मैं भले अब तेरा नहीं, चांद की चांदनी में एक चिराग भर बुझने से होता कभी अंधेरा नहीं, दिल छोटा मत करना, और माना मेरे बिना तेरी शाम सवेरा नहीं, तू तो जा ठहरी किन्हीं और बाहों में, पर तेरे रूह का कोई और बसेरा नहीं, पर दिल छोटा मत करना। और अगली कविता है, कविताएं छोटी हैं लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मायने बड़े होंगे। अगली कविता शीर्षक है, मैंने एक बात छुपाई तुमसे, मैंने एक बात छुपाई तुमसे, तुमसे भी ज़्यादा प्यार है किसी और से। और जब भी किसी और आएगा तो आप माँ को ही समझिएगा, कि मैंने एक बात छुपाई तुमसे, तुमसे भी ज़्यादा प्यार है किसी और से, ना बताई तुमसे, माँ के चेहरे पर सिकन मंजूर नहीं, हो भले रुसवाई तुमसे। कि मेरे जब खुदा यानी कि माँ, जब खुदा मेरे साथ है तो क्या मैं खुद, और कैसी खुदाई तुमसे, हाँ ये बात मैंने छुपाई तुमसे, तुमसे भी ज़्यादा प्यार किसी और से है, ये बात नहीं बताई तुमसे। अगली कविता है, वो आकर जाने को है,
अंतिम मुलाकात है, ब्रेकअप हो रहा है। अच्छा, मेरी कविताओं में ब्रेकअप ज्यादा होता है। इस बार कोशिश कर रहा था कि ना हो, लेकिन हो जाते जाते हो ही गया। वो आकर जाने को है, ये भीड़ करो मेरी ओर और सन्नाटे पसार दो। ब्रेकअप हो रहा तमाशा होगा ना, तो ये भीड़ करो मेरी ओर और सन्नाटे पसार दो। वो आकर जाने को है, उड़ने को है प्राण पखेरु मेरे, कुछ सांसें उधार दो। वो आकर जाने को है, मेरी गलतियों को जरा छिपाओ, मेरी गलतियों को जरा छिपाओ, या हो सके तो सुधार दो। वो आकर जाने को है, करो बंदोबस्त कुछ खास इस दफा, बस किसी बहाने से उसे रोक लो। वो आकर जाने को है। एक शेर है, अच्छा तो नहीं लगता तेरी मेरी उन खास जाति पलों को। जितनी शेर शायरी कविताएं हैं सब कुछ जाति पली होते हैं, इसलिए शायद मेरी भी सांस कभी कभी उखड़ने लगती है, लेकिन उन्हीं को दो लाइनों में व्यक्त कर रहा हूं कि तेरी मेरी उन खास जाति पलों को सरेआम कर देना अच्छा तो नहीं लगता। तेरी मेरी उन खास जाति पलों को सरेआम कर देना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तेरे बिना तेरी बस यादों के संग गुजारना तन्हा भी तो अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद।